गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग डेटा टाइप्स और उसके रेंज, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं साइंड कैरेक्टर। बाय डिफ़ॉल्ट जो कैरेक्टर्स होते हैं वो साइंड होते हैं। साइंड का अर्थ यह होता है कि जो डेटा साइंड कैरेक्टर में स्टोर होंगे वह पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी। तो साइंड कैरेक्टर देखिए, जो आपका बाइट्स लेता है, वन बाइट्स लेता है, तो वन बाइट्स में जो डेटा स्टोर होगा, मिनिमम डेटा 128 स्टोर होगा और मैक्सिमम 127 से ज़्यादा स्टोर नहीं होगा। तो इसलिए इसका रेंज देखिए, यहाँ पर इसका रेंज ये दिया गया है। और कैरेक्टर टाइप का जो डेटा रीड करते हैं तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है परसेंट सी। उसके आगे आते हैं अनसाइंड कैरेक्टर। तो देखिए, अनसाइंड कैरेक्टर का अर्थ यह होता है कि इसमें जो डेटा स्टोर होगा ओनली जो है विदाउट साइन स्टोर होगा। तो विदाउट साइन का अर्थ यह है कि जो साइन बिट यूज हो रहा था वह जो है उसमें डेटा स्टोर होगा। इस तरह से हमारा जो डेटा है उसका रेंज बढ़ जाता है। तो जो मिनिमम डेटा का रेंज होगा वह 0 होगा और मैक्सिमम 255 होगा। इसमें भी जो है 1 byte लेता है जो है, और इसका भी फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट सी होता है। अगला आता है जो है टाइप जो है इंटीजर। इंटीजर में सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट साइंड इंटीजर। तो शॉर्ट साइंड इंटीजर में जो है जो मिनिमम रेंज है इसका है 32,768 से लेकर 32,767। और शॉर्ट इंटीजर जो है 2 bytes मेमोरी लेता है और इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंट HD। शॉर्ट इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंट HD। इसके बाद आती है जो है अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर का जो रेंज है वह आपका है जो है 0 से लेकर 65,535। और इसका जो आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंट HU। इसके आगे जो है साइंड इंटीजर के बारे में बात होती है। तो साइंड इंटीजर आपका जो है 4 bytes मेमोरी लेता है जो है, और इसका रेंज है 21,000, इसको हम डिजिट में बोल दे रहे हैं, तो 20, -21, 47, 48, 36, 48 to +21, 47, 48, 36, 47, ठीक है, इतनी वैल्यू इसमें स्टोर की जा सकती है। मिनिमम वैल्यू से कम नहीं स्टोर कर सकते और मैक्सिमम वैल्यू से अधिक स्टोर नहीं कर सकते। इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है परसेंट डी। और स्टूडेंट, मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि यह मशीन टू मशीन वैरी कर सकता है। जो 16-bit कंपाइलर मशीन होते हैं उसमें जो है इंटीजर जो है 2 bytes लेता है, लेकिन जो 32-bit कंपाइलर होते हैं उसमें एक इंटीजर डेटा को स्टोर करेंगे तो उसमें जो है 4 bytes मेमोरी कंज्यूम होता है। उसी तरह से हमारा जब अनसाइंड इंटीजर की बात करते हैं तो जो हमारा जो रेंज है, ये जो मिनिमम मैक्सिमम इसको ऐड कर देंगे तो हमारा जो टोटल रेंज आ जाएगा 0 से लेकर 42, 94, 96, 72, 95। तो मिनिमम जो है 0 अनसाइंड में हम स्टोर कर सकते हैं, मैक्सिमम जो है ये वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो है अनसाइंड का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा परसेंट यू होता है। इसके आगे जो है लॉन्ग साइंड इंटीजर के बारे में बात करते हैं। लॉन्ग साइंड इंटीजर का जो रेंज है आपका यही है आपके सामने जो है स्क्रीन पर, -21, 47, 48, 36, 48 to 21, 47, 48, 36, 47। इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंट LD। लॉन्ग इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंट LD।
ठीक है, इसके आगे लांग लांग साइंड इंटीजर, तो इसी तरह से हमारा जो लांग लांग साइंड इंटीजर का जो मेमोरी रेंज है वो बढ़ जाएगा, और इसका जो बाइट्स में इसका जो स्टोरेज है जो है 8 बाइट्स लेता है। लांग लांग हो गया, लांग लांग अनसाइंड का भी जो है मेमोरी जो है 8 बाइट्स लेगा। इसका जो है जैसे हम जो है बेसिक का कैलकुलेशन करते हैं उसी तरह से हम जो है इसका भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो है लॉन्ग लॉन्ग अनसाइंड इंटीजर का जो मेमोरी फॉर्मेट है, फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट यल यल यू यल यल 2 टाइम्स है। इसके आगे जो है फ्लोट का बात आती है, तो फ्लोटिंग डेटा जो है IEEE 754 के अकॉर्डिंग जो मिनिमम रेंज है -3.4 E38 टू +3.4 E38। इसका जो भी फ्लोटिंग डेटा भी जो है 4 बाइट्स मेमोरी लेता है, और डबल जो है आपका 8 बाइट्स मेमोरी लेता है। और यहाँ पर जो डबल का रेंज है -1.7 E एक्सपोनेंट है E308 टू 1.7 E308। इसके आगे जो है बात आती है लॉन्ग डबल। लॉन्ग डबल जो है आपका जो है एक लॉन्ग वैल्यू डबल वैल्यू स्टोर करेंगे तो वह आपका 10 बाइट्स मेमोरी कंज्यूम करता है, ठीक है। और आपका जो है इसका रेंज होता है -1.7 E4932 to +1.7 E4932। इससे वैल्यू यहाँ पर जो मिनिमम मैक्सिमम है इसका अर्थ है मिनिमम वैल्यू से लोवेस्ट वैल्यू, कम वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, और मैक्स वैल्यू से हायर वैल्यू आप जो है स्टोर नहीं कर सकते। इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है परसेंट यल या कैपिटल में परसेंट यल रहेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो आपका जो है अलग अलग जो डेटा है उसका जो है इसमें जो है फॉर्मेट बताया गया कि जिसमें फ्लोट का जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट यफ होता है, और डबल का जो है परसेंट यल यफ, और लॉन्ग में जो यल है वो कैपिटल में है, और डबल में जो यल यूज हो रहा है वो स्मॉल लेटर में है, ठीक है। तो आपका जो है ये पूरा जो है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा का समराइज फार्म है। स्टूडेंट मैं आपको एक ही ये बताना चाह रहा हूँ कि जो डेटा रेंज दिया जा रहा है यह मशीन टू मशीन वैरी कर सकता है, ओल्ड एंड न्यू मशीन में अलग अलग वेरिएशंस हो सकता है, ठीक है। तो इसको आप एक बार जो है ऑब्जर्व कर लीजिए। कैरेक्टर का हो गया -128 टू +127, और इसी का जो है अनसाइंड करेंगे तो रेंज डबल हो जाएगा, तो 0 से लेकर 255। इसी तरह से इंटीरियर टाइप का जो रेंज है -32,768 से लेकर 32,767, और अनसाइंड के बारे में बात करेंगे तो 0 से लेकर के 65,535। इसी तरह से साइंड इंटीजर का कितना होगा -21,47,48,36,48 से लेकर +21,47,48,36,47। अगर जो है अनसाइंड में बात करेंगे तो जो ये मिनिमम मैक्सिमम इसको ऐड कर देंगे तो जो डेटा का रेंज आ जाएगा 0 से लेकर जो भी एडिंग वैल्यू आएगा वो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट जो है इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। तो इसको आप जो है समराइज कर लीजिए, इसका अपने जो है इसमें तो पूरा इसमें डिटेल्स है जिसमें जो है आपका डेटा टाइप है, रेंज है, बाइट्स है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ठीक है।